हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू रेसिप किंगडम। तो गाइस, जैसे कि आप जानते हैं, जोन मोक्सली के लैंस आर्चर के बाद कोई ओपोनेंट तो बचा नहीं है। तो गाइस, AEW चैंपियनशिप के लिए जो नंबर वन कंटेंडर मैच रखा जा रहा है, हम उनके सारे अपोनेंट्स और उनके मैचेस, कौन हमारे AEW चैंपियन नेक्स्ट बनेगा और गाइस कौन इस टूर्नामेंट को जीतेगा, इसके बारे में प्रिडिक्शन करेंगे। और गाइस, ये सभी मैचेस मैं आपको बताने वाला हूँ। मतलब भाई, AEW ने इसे 8 सुपरस्टार कर दिए हैं। और गाइस, ये AEW डायनामाइट में कल से इसका ट्रेलर देखने को मिलेगा, कल से मतलब शो शुरू हो जाएगा। और गाइस, इसका जो फाइनल ओपोनेंट हमें फुल गियर में देखने को मिलेगा, जो कि फिर सीधे से जो हमारे जो मोक्सली AEW चैंपियन है उनको चैलेंज कर देगा। तो गाइस, फटाफट से वीडियो को कर दो लाइक। और गाइस, मैं आपको रिकमेंड जरूर करूंगा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाले, अगर आप AEW के फैन तरह वीडियो को पूरा देखना होगा इस चैनल को कर देना सब्सक्राइब। और गाइस, नोटिफिकेशन बेल को कर देना, क्योंकि आपको यहाँ पर डेली रेसलिंग से रिलेटेड इंटरेस्टिंग मिलती रहती है। तो गाइस, बिना किसी देर के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, मैं आपको बता दूं कि इसमें हमारे 8 मेंबर्स होने वाले हैं, जो कि रे फिनिक्स, पेंटागन जूनियर, कैन ओमेगा, एडम पेज, कोल्ट कबाना, जंगल बॉय वुडलो और जो जनेला, ये 4 सॉरी ये 8 मेंबर है जो कि AEW चैंपियनशिप के लिए भिड़ने वाले, मतलब आपस में। तो गाइस, ये हमारे मतलब 8 मेंबर, तो हमें 4 मैच देखने को मिलेंगे नंबर कंटेंडर के लिए। तो गाइस, जो एक कॉलम है उसमें होगा रे फिनिक्स वर्सेस पेंटागन जूनियर, और उसके एक कॉलम का दूसरा मैच होगा कैनी ओमेगा वर्सेस जो जनेला। और गाइस, हम अगर बात करें तो बी कॉलम की, तो बी कॉलम में एडम पेज वर्सेस कोल्ड कबाना होने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट मैच वुडलो वर्सेस जंगल बॉय होने वाला है। तो गाइस, हम सारे मैच की प्रोडक्शन करेंगे, तो आराम से बैठ के यार वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। गाइस, फर्स्ट मैच हमें जो कि एक कॉलम से देखने मिलेगा, वो पेंटागन जूनियर वर्सेस रे फिनिक्स के बीच देखने मिलेगा। गाइस, अगर आप इंडिया रेसलिंग के शो देखते हैं तो आपको पता होगा कि दोनों सुपरस्टार कितने मस्त एथलीट, मतलब हाई फ्लाइंग मूव्स में तो पता ही रहे स्टोर के बाद भी कर ही लेते हैं गाइस। पर गाइस, अगर मैं मैच के विनर की बात करूँ तो गाइस, ये मैच ब्रदर वर्सेस ब्रदर होने वाला, क्योंकि दोनों आपस में ब्रदर, आपको पता हो तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। तो गाइस, अगर मुझे तो लगता है कि रे फिनिक्स को भी अच्छे सुपरस्टार है, पर गाइस पेंटागन जूनियर को AEW एक बहुत बड़ा सुपरस्टार देखती है। तो गाइस, आसानी से मतलब काफ़ी अच्छा मैच देने के बाद पेंटागन जूनियर इस मैच में जीत सकते हैं, फिर वो आगे चैलेंज करने वाले हैं। और गाइस, एक कॉलम का नेक्स्ट मैच हमें कैनी ओमेगा वर्सेस जो जनेला के बीच देखने मिलेगा, जो कि गाइस आपको पता है कि आप अगर AEW डार्क शो फॉलो करते हैं तो उन वन ऑफ द बेस्ट मैच AEW डार्क शो में दिया, क्योंकि नो डिस्क्वालिफिकेशन मैच थे दोनों के बीच, जो कि काफ़ी अच्छी हिट भी हुई। तो मैं मतलब कि इंडिपेंडेंट रेसलिंग में जिन्हें 4.5 की स्टार्टिंग दी थी डेव मेल्जर के हिसाब से, मैच तो इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। इसके पीछे कोई बैक स्टोरी नहीं है, इसके पीछे भाई बस एक ही बार ये मैच हुआ है। तो गाइस, मैच तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ मैच के को देखने के लिए। तो गाइस, अगर मैं मैच की बताऊँ तो भाई कैनी ओमेगा AEW में मतलब काफ़ी अच्छे सुपरस्टार हैं, काफ़ी अच्छा पुश भी देती। तो गाइस, आसानी से कैनी ओमेगा टूर्नामेंट जीत सकते हैं। फिर गाइस, आपको पता है कि हमारे पेंटागन जूनियर और कैनी ओमेगा के बीच मैच होगा। पर गाइस, अब अगर मैं बात करूँ बी कॉलम की, जो कि एडम पेज वर्सेस कोल्ट कबाना होने वाला है। तो गाइस, कोल्ट कबाना को AEW को ज़्यादा कुछ अच्छा बुक तो करती नहीं है, उन्होंने AEW डार्क के शो में डाल जाते। और गाइस, आपको पता है कैनी ओमेगा एडम पेज कितने अच्छे रेवोल्यूशनरी है, मतलब कि टैग टीम चैंपियन भी रह चुके हैं। तो गाइस, ऐसा तो होगा नहीं है एडम पेज को हरा दिया जाएगा, मुझे तो लगता है कि हमारे एडम पेज आसानी से मतलब कि सबसे ईजी प्रोडक्शन इस मैच के, मुझे तो लगता है आसानी से हमारे कोल्ट कबाना हार जाएंगे और गाइस हमारे एडम पेज जीत जाएंगे। और गाइस, वो नेक्स्ट में चैलेंज करने जाएंगे। होगा जो बी कॉलम का नेक्स्ट मैच है वो होने वाला है जंगल बॉय और वुडलो के बीच। गाइस, आपको बताएंगे पीछे हिस्ट्री बहुत रही है, MJF वर्सेस जंगल बॉय की राइवलरी चल रही थी, जब भी वुडलो इंटरफेंस करते थे और लुचासोर्स में इंटरफेंस करते थे। तो गाइस, ये मैच काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। आपको पता है वुडलो मुक्ति हटे कटे मतलब बिग सुपरस्टार, और जंगल में थोड़े साइज में थोड़े छोटे पर हाई फ्लाइंग एक्शन फेयर वो भी दिखाते हैं। तो गाइस, मैं अगर मैच के विनर की बात करूँ तो इसमें हमारे लुचासोर्स भी इंटरफेंस कर सकते हैं, MJF भी इंटरफेंस करते हैं। पर गाइस, मुझे लगता है कि जंगल बॉय को भी AEW वीक नहीं दिखाना चाहिए। और गाइस, इस मैच में वुडलो MJF की इंटरफेरेंस से जंगल बॉय को पिन करके जीत जाएंगे। तो गाइस, अब 4 अपोनेंट भाग चुके हैं और बचे हमारे 4 अपोनेंट, तो वो है पेंटागन जूनियर, कैनी ओमेगा, एडम पेज और वुडलो। तो जब एक कॉलम के लिए भाई मैच बनता है कैनी ओमेगा वर्सेस पेंटागन जूनियर, जो कि काफ़ी अच्छा मैच होने वाला है। मतलब कि मैं पहली बार मैच देख रहा हूँ AEW में, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग मैच होगा, मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ इस मैच को देखने के लिए। तो गाइस, पेंटागन जूनियर एडम कैनी ओमेगा, जो कि भाई इनके बीच मैच करवाना है। तो गाइस, मुझे इतना नहीं लगता कैनी ओमेगा को AEW बड़ी करेगी, मतलब कितने 7 स्टार तक मैच दिए उन्होंने। तो मुझे लगता है कि भाई अपने जो ब्रदर के आधार कर पेंटागन जूनियर हमारे जो कैनी ओमेगा उन्होंने आसानी से हरा देंगे। और गाइस, बी कॉलम से जो मैच बना था वो एडम पेज वर्सेस
बॉर्डर लोग के बीच में था एडम पेज, पता है कि आपको पता है कि इनके बीच भाई जो चैंपियनशिप होने के बाद कितनी आग से सुलग रही है, मतलब कि कैनवे में गए एडम पेज के साथ लड़ना चाहते हैं। तो गाइस ये राइवलरी कंटिन्यू करने के लिए हमारे जो एडम पेज है वो आसानी से बॉर्डर लोग को हराते हुए दिख सकते हैं, मतलब बॉर्डर लोग भी काफ़ी अच्छे सुपरस्टार है। तो गाइस इस मैच में हमारे कैन सॉरी एडम पेज हमने आपको डिफेंड कर सकते हैं, दिखा सकते हैं भाई वो भी अच्छा लड़ सकते हैं, अच्छे 5 स्टार क्लासिक मैच दे सकते हैं। तो गाइस ये कुछ रिजल्ट है, फिर बाद में जो गाइस हमारे इस मैच में 6 तो 12 चौके बचे, 2 पॉइंट हुए कैन में गए और एडम हैंगमैन पेज। तो गाइस ये मैच होगा फुल गियर में होगा। इस मैच में अगर प्रिडक्शन बात करते हैं फिर करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि पर मैं यार एक प्रिडक्ट करना है तो गाइस मैं प्रिडक्ट करूंगा कनी ओमेगा को, क्योंकि जो फुल गियर में जीत जाएंगे और वो चैलेंज करेंगे जोन मोक्सली को। गाइस मैं ऐसे इसलिए बोलूँ क्योंकि एडम पेज को ऑल आउट में 2019 में पहले क्रिस जेरिको के खिलाफ AEW चैंपियनशिप के लिए मौका मिल गया, जिसमें हार गए थे। तो गाइस जब AEW बार बार ये गलती रिपीट नहीं करेगी कि उन्हें बार बार किसी चैंपियनशिप के लिए मौका दिया जाएगा। हमारी जो कैनी ओमेगा उन्होंने 7 स्टार मैच दिए, काफ़ी अच्छे मैच दिए और 5 स्टार NJPW में कमाल कर दिया था उन्होंने, इसलिए AEW ने साइन किया था। तो गाइस इस बॉय मतलब कि भाई मैं सोच रहा हूँ कि फुल खेरे में ये वन ऑफ द बेस्ट मैच भी हो सकता है, क्योंकि इन केमिस्ट्री काफ़ी अच्छी है, मतलब काफ़ी अच्छी राइवलरी चल रही है दोनों के बीच। तो मुझे लगता है कि भाई आई डोंट थिंक सो कि कैन में वो जीत जाएंगे और गाइस हमारे जो एडम पेज हार जाएंगे। पर गाइस मैच तो काफ़ी ब्रूटैलिटी देखने को मिलेगी, तो आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आप क्या देखना चाहेंगे। और गाइस फाइनल प्रिडक्शन हमारे कैन ओमेगा चैलेंज करेंगे जोन मोक्सली को, जो आगे फ्यूचर होगा, और कि मुझे तो ये भी लग रहा है कि कैन ओमेगा जीत भी जाएंगे AEW चैंपियनशिप को। तो गाइस ये थी मेरी प्रोडक्शन, मुझे भाई गलती बोल सकते हैं, मुझे काले मत देना। गाइस आप मुझे कमेंट करके बताएंगे आपके क्या प्रोडक्शन होगा, इससे आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि मैं आपको थोड़ी जान जाता हूँ आपको कौन क्या लगता है कौन इस टूर्नामेंट जीतेगा, क्या किस किस के बीच मैच देखने मिलेगा, मुझे कमेंट करके जरूर बताया यार गाइस। और गाइस वीडियो को फटाफट से लाइक कर दो, चैनल कर दो सब्सक्राइब, क्योंकि आपको डेली ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो मिलती रहती है। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।